अगर मैं फालतू शो की बात करूँ तो आपको किस तरह से ऑफर हुआ था फालतू शो क्या जर्नी रही फालतू शो की यार मैं तो एकदम डिसार्टन सी बैठी थी बिकॉज ये रिश्ता मैंने छोड़ा था बिकॉज मुझे रोल वगैरह नहीं मिलता था वहाँ कुछ प्ले करने के लिए एंड आई वॉज फीलिंग वेरी सैड तो मैंने बहुत प्यार से गुड नोट पे छोड़ दिया था वो शो एंड डी के पी वॉज़ वेरी सपोर्टिव उन्होंने मुझे जाने दिया बट उसके बाद मैंने सोचा यार अब तो हो गया मतलब अब तो यू फील ना कि अब कैसे होगा क्या होगा शो भी छोड़ दिया है अभी तो. तो मैं ऐसे कोई डेस्परेट नहीं थी मैं पढ़ाई कर रही थी अपनी एंड देन नॉर्मली कॉल आया फॉर फालतू थ्रू अ कोर्डिनेटर तो मैंने ऑडिशन भेजा एंड देन दे कॉल्ड मी ऑफिस में तो क्रिकेटर सुनकर मुझे लगा यार इनको एकदम एथलेटिक बॉडी चाहिए होगी वो लड़कियाँ होती है ना ऐसे शार्प जोलाइन वाली जो जोलाइन से एप्पल कट कर दे दैट वाज अ बैड जोक तो ऐसे सोचा कि प्रॉपर एकदम इनको फिटनेस फ्रीक चाहिए होगी मेरा तो का ही होगा और तब मैं और चबी हुआ करती थी जिस जितनी मैं अभी हूँ उससे ज़्यादा तो मुझे लगा यार बट ठीक है दे देती हूँ देने में क्या जाता है बट धीरे धीरे मेरे को तीन चार दिन के गैप्स में वो लोग डेली बुलाने लग गए तो मुझे लगा यार ये कुछ पॉजिटिव हो रहा है है ना एंड मुझे शो का नाम फालतू पता चला देन आई वाज लाइक यार ये तो टाइटुलर लीड है स्टार प्लस का मतलब आई हैव टू क्रैक दिस तो धीरे धीरे क्रैक हुआ एंड देन अच्छी बात ये थी कि जो मेरे प्रोड्यूसर थे उनके माइंड में मैं ही बस गई थी फॉर फालतू बिकॉज बॉयहुड का प्रोडक्शन जब मुंबई शिफ्ट हुआ वैसे ही एक बंगाल का प्रोडक्शन हाउस है तो सबसे पहला ऑडिशन मैंने उनको मैंने ही दिया था उस ऑफिस में तो एक होता है ना दादा के मन में मैं बस गई थी एस फालतू तो मॉक टेस्ट में भी कोई लड़कियां नहीं थी मतलब मैं फाइनल हो चुकी थी मैं अलग अलग लड़कों के साथ मॉक कर रही थी तो बड़ा सरियल था यार आई अभी भी मुझे लगता है कोई दूसरा शो भी करूँगी तो वो फीलिंग अच्छी होगी प्यार होगा उस शो से भी बट तो फालतू का जो सब मैंने एक्सपीरियंस किया था ना आई डोंट थिंक तो वो कभी मैं वापस कर पाऊंगी एक्सपीरियंस फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल एस दे से Uh, फालतू में मैं बात करूँ प्रोडक्शन हाउस की तो किस तरह का बर्ताव था आप लोगों के साथ खास करके अच्छा। लड़कियों के साथ किस तरह का बर्ताव था बहुत अच्छा मतलब दादा जो मेरे प्रोड्यूसर हैं वो मुझे अभी भी बेटी मानते हैं मैं उनसे परसों ही मिली थी मतलब ही इज़ ही इज़ सच अच्छा अइस गाय इतने स्वीट उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी स्टोरी टेलिंग इतनी ब्यूटिफुल है उनकी और सबके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है उस शो में मतलब प्रोडक्शन के लोग बोल दो एक्टर्स बोल दो मतलब टेक्नीशियंस बोल दो मेकअप आर्टिस्ट बोल दो एडीज बोल दो सबसे इतना अच्छा मेरा बॉन्ड है आज भी मेरी सबसे बात हो रही होती है जी फालतू शो के आपके कोई स्टार आकाश हो जा, का कम बैक हो रहा है स्टार प्लस के न्यू शो में कुछ बातचीत हुई आपकी नहीं मेरी इस रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई एंड आई डोंट एनी अपडेट अबाउट दिस बट आई थिंक मैंने लास्ट जो देखा था ही इज इन सब टी का कोई शो बट आई डोंट नो मे बी